दिल्ली में दिल्ली से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, क्योंकि ये पुलिस का काम होता है अपराधियों को पकड़ना, लेकिन दिल्ली में जो हुआ है उसमें एक सनकी युवक ने, एक सिरफिरे ने किस तरीके से पुलिस से उसकी ही पिस्तल ले ली और पुलिस वाले पर ही तान दी। आखिर इस युवक ने फायरिंग क्यों की सरेआम, उसके बाद कैसे वहां पर अफरा तफरी मच गई, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हैरान कर देने वाला ये वीडियो दिल्ली के शाहदरा इलाके का है, जहां उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक सिरफिरे युवक ने पुलिस वाले की पिस्टल छीन कर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी पिस्टल लेकर दौड़ता और फायरिंग करता साफ दिख रहा है। घटना 16 मार्च की शाम करीब 7 बजे की है। 29 साल के युवक का नाम किशन शेरवाल बताया गया है। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने भीड़ की मदद से युवक को पकड़ लिया। आरोपी घर से झगड़ा करके निकला था और चाकू से अपना गला काट लिया था। खबर मिलने पर पीसीआर मौके पर पहुंची थी। इसी दौरान आरोपी ने एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीन ली और पुलिस वालों पर ही पिस्टल तान दी और फायरिंग करते हुए भागने लगा। युवक की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, उसका अपनी पत्नी से काफी लंबे वक्त से विवाद चल रहा है। नीमत रही कि इस युवक की गोली किसी को लगी नहीं, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी, लेकिन फिर भी वहां पर इस तरह से सरेआम फायरिंग होने से अफरा तफरी जरूर मच गई। और बिल्कुल, बात करें अगर प्रयागराज की, तो वहां पर जो गोलीकांड हुआ था उसको लेकर के अब एक नया और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इस पूरे गोलीकांड में एक सीक्रेट वुमेन की एंट्री हो चुकी है। कौन है ये वुमेन, क्या कनेक्शन है इसका गोलीकांड से, देखिए इस रिपोर्ट में। उमेश पाल हत्याकांड का एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। ये वीडियो शूटआउट के तुरंत बाद का है। इसमें आरोपी शूटर अरमान और गुड्डू मुस्लिम बाइक पर भागते नजर आ रहे हैं। आरोपी सड़क पर बम भी फोड़ते जा रहे हैं ताकि कोई पीछा न कर सके। बाइक के ठीक पीछे कार में दूसरे हमलावर सवार होकर जाते दिख रहे हैं। ये फुटेज घटनास्थल के एकदम पास का है। अतीक के बेटे असद को नेपाल भगाने के आरोपी कयूम को पुलिस ने नेपाल से गिरफ्तार कर लिया है। कयूम अंसारी की गिरफ्तारी नेपाल के कपिलवस्तु जिले से हुई है। असद और शूटर गुलाम को पनाह देने के बाद कयूम अंसारी को कखरवा सीमा से भारत लाया गया है। दूसरी तरफ शूटआउट में एक महिला का एंगल भी सामने आया है। पुलिस को हत्याकांड का वीडियो बनाने वाली एक मिस्ट्री गर्ल का पता चल रहा है। ये मिस्ट्री गर्ल शूटर गुलाम की गर्लफ्रेंड हो सकती है। पुलिस ने शूटर की माशूका को नैनी इलाके से उठाया है। बताया जा रहा है कि वो लगातार गुलाम के संपर्क में रही है। 16 मार्च को उसने आखिरी बार गुलाम से बातचीत की थी। आरोपी युवती माधोपुर पट्टी खरखौनी रेल की रहने वाली है और राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती है। मिस्ट्री गर्ल से पूछताछ में अहम खुलासा होने की उम्मीद है। राजूपाल हत्याकांड की एक और गवाह रुखसाना बेगम को भी अपनी जान का खतरा सता रहा है। उसने योगी सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई है। तो देखिए, प्रयागराज पुलिस ने नेपाल से कयूम को तो गिरफ्तार कर लिया है। कयूम वही है जो जिसने अतीक के बेटे असद को नेपाल भगाने में उसकी मदद की थी। अब जब कयूम से पूछताछ की जाएगी कस्टडी के दौरान, तो हो सकता है श्वेता कि कई बड़े खुलासे हों। और बड़े खुलासे की उम्मीद तो पंजाब के बठिंडा के पुलिस को भी है, क्योंकि बठिंडा जेल में काफी कुछ ऐसा मिला है जिससे लगता है कि वहां पर बड़ी साजिश रची जा रही थी। और आपको याद होगा कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू भी वहां से सामने आया था। बठिंडा की सेंट्रल जेल एक बार फिर चर्चा में है। तलाशी के दौरान जेल से 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। कैंट थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मोबाइल जमीन में दबे हुए थे। जेल अथॉरिटीज वालों एक लैटर इशू होया सी, जिसे उन्होंने मेंशन किया सी कि ब्लॉक नंबर 2 जो कैदी ब्लॉक है उसके बैक साइड दे विच एक ग्राउंड है। ग्राउंड दे विच टोआ फुट के थले 2 मोबाइल जो पुराने खस्ता हालत में है, नॉट इन वर्किंग कंडीशन, विदाउट सिम एंड बैटरी दोनों बरामद हुए है, जिसे संबंध में हमने एफआईआर दर्ज की है अंडर सेक्शन 52 ए प्रिजन एक्ट। अगली तफ्तीश कर रहे हैं। जेल से बिश्नोई के इंटरव्यू के बाद एनएलजेडी यंत्र से जेल परिसर में लगातार चेकिंग की जा रही है। इस यंत्र की खासियत है कि ये जमीन में कई फीट तक नीचे दबी चीज को ढूंढ लेता है, लेकिन जेल से मोबाइल मिलना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। तो सवाल तो
ये दीपिका कि जेल के अंदर आखिर मोबाइल फोन पहुंचे कैसे, कैसे उनकी मदद की जा रही है और बिना जेल कर्मियों के मिली भगत के ये पॉसिबल नहीं है कि गैंगस्टर्स तक उनकी जरूरत का सामान पहुंचाए। जी हाँ, ये साजिश ही है श्वेता, मुझे लगता है। और साजिश राजधानी दिल्ली में भी हुई है जहाँ पर एक विदेशी नागरिक की सड़ी हुई लाश मिली है। देश में और क्या कुछ हुआ है, दो मिनट में आपको दिखाते हैं। आज भारत और बांग्लादेश के बीच पहली ऊर्जा पाइपलाइन की शुरुआत हो रही है। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन करेंगे। दोनों देशों के बीच ये पहली सीमा पार पाइपलाइन है जिसे करीब 377 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। बांग्लादेश में पाइपलाइन बिछाने में कुल कीमत 285 करोड़ रुपए खर्च आया है। पीएम मोदी आज ग्लोबल मीट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में आज से 6 देशों के कृषि मंत्री और 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों का जमावड़ा लगेगा। इसमें मोटे अनाज के शोधकर्ता, वैज्ञानिक और प्रतिनिधि एक साथ मौजूद होंगे। मोटे अनाज को श्री अन्न नाम दिया गया है। इस सम्मेलन में मोटे अनाज यानी श्री अन्न की खेती, पोषण और बाजार के बारे में जानने की कोशिश की जाएगी। बीती रात दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके से एक विदेशी नागरिक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक शख्स की उम्र करीब 65 साल के आसपास बताई गई है। शव के पास एक पासपोर्ट भी बरामद हुआ है। मृतक शख्स मॉरिशस का रहने वाला बताया गया है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अभी तक ये साफ नहीं है कि विदेशी शख्स की मौत कैसे हुई। रामलीला के मंचन और रावण दहन की ये तस्वीरें बरेली के विश्व प्रसिद्ध रामलीला की हैं। 2015 में इसे यूनेस्को की तरफ से विश्व धरोहर घोषित किया जा चुका है। ब्रह्मपुरी इलाके में इस रामलीला का मंचन आजादी के पहले से हो रहा है। ये रामलीला की 163वीं वर्षगांठ है। इसकी खासियत यह है कि इसका मंचन बरेली के अलग अलग मोहल्लों में होता है और लाखों लोग इसे देखने बरेली पहुंचते हैं। खूबसूरत लाइटों से जगमग ये शहर नागपुर है। G20 समिट के लिए शहर इस तरह भव्य तरीके से सजाया गया है जैसे दिवाली हो। 20 मार्च को यहां G20 समिट में शामिल होने के लिए विदेशी डेलीगेट्स पहुंचेंगे। उससे पहले एयरपोर्ट से लेकर शहर की तमाम सड़कों को लाइटों से पार दिया गया है। दीवारों पर सुंदर पेंटिंग बनाई गई है। शहर की सजावट को देखकर लोग खासे उत्साहित हैं। तो बरेली में तो लोग विश्व प्रसिद्ध रामलीला को देखकर के काफी ज्यादा उत्साहित हैं। तो G20 की बात करें तो वहां पर जो खूबसूरत लाइटें सजी हैं उससे नागपुर के लोग भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और खुश राजस्थान के लोग भी हैं, क्योंकि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने 19 नए जिले बनाने की बात कह दी है। काफी लंबे वक्त से इन जिलों को बनाने की मांग उठाई जा रही थी। ऐसे में जाहिर तौर पर राजस्थान के लोगों के लिए बड़ी सौगात है। सीएम गहलोत ने 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने का ऐलान कर बड़ा दांव खेला है। राजस्थान में इसी साल चुनाव होना है, लिहाजा कांग्रेस को नए जिलों के ऐलान से बड़ा फायदा हो सकता है। सीएम गहलोत ने शुक्रवार को विधानसभा में नए जिलों और संभाग की घोषणा की। इस विषय में प्राप्त समस्त प्रस्तावों प्रदेश की वर्तमान प्रशासनिक इकाइयों की संरचना का विस्तृत अध्ययन एवं विवेचना के उपरांत अब मैं प्रदेश में नए जिले बनाने की घोषणा करता हूँ। बांसवाड़ा, पाली, सीकर से ये 3 नए संभाग बनाए गए हैं। जयपुर को 4 जिलों में बांटा गया है। जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, दूदू और कोटपूतली जिला बनाए गए हैं। जोधपुर को भी जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम और फलोदी में बांटा गया है। श्री गंगानगर से अनूपगढ़, बाड़मेर से बालोतरा, अजमेर से ब्यावर और केकड़ी, भरतपुर से डीग, नागौर से डीडवाना कुचामन सिटी, सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी, अलवर से खैरथल, सीकर से नीम का थाना, उदयपुर से सलुम्बर, जालोर से सांचोर और भीलवाड़ा से काटकर शाहपुरा को नया जिला बनाया गया है। राजस्थान में अब कुल 50 जिले और 10 संभाग होंगे। गहलोत ने ट्वीट किया है कि बढ़ती जनसंख्या और बड़े क्षेत्रफल की वजह से नए जिलों की जरूरत महसूस हो रही थी। वैसे राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में अशोक गहलोत सरकार का ये बड़ा दाव है चुनावों को देखते हुए, और जाहिर तौर पर हर बार की तरह इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। बिल्कुल, और भिवाड़ी की बात करें तो उसे जिला नहीं बनाए जाने पर जो विधायक हैं वो काफी ज्यादा नाराज हो गए, और साथ ही बीजेपी की नेता वसुंधरा राजे ने कांग्रेस की चुनावी चाल पर हमला बोला है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में 19 नए जिले बनाने के फैसले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। भिवाड़ी को जिला नहीं बनाने के विरोध में राजस्थान सब रीजन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन संदीप यादव ने इस्तीफा दे दिया है। तिजारा से विधायक संदीप यादव बीएसपी के उन 6 विधायकों में से हैं
जिन्होंने गहलोत सरकार को समर्थन दिया था। पूर्व सीएम और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने भी गहलोत सरकार पर हमला बोला है। वसुंधरा ने ट्वीट किया है कि कांग्रेस सरकार की नई घोषणाएं अपने व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करने का प्रयास भर है। इस कोशिश में उन्होंने राजस्थान के पूरे आर्थिक तंत्र को दांव पर लगा दिया है, जिसका खामियाजा आने वाले वर्षों में प्रदेश और प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ेगा। गहलोत सरकार के तमाम मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों ने भी नए जिलों के फैसले की सराहना की है और कहा है कि इससे प्रशासनिक कार्यों में सहूलत मिलेगी। मैं उम्मीद करते करता हूं कि राजस्थान की जनता सब कुछ देख रही है और अभी आज विधायकों ने नारा लगाया, अगला मुख्यमंत्री का आज मुख्यमंत्री जी ने वफादारी का इनाम दिया है। मैं मुख्यमंत्री जी का जीवन बराबर ही रहूंगा और मैं ये शब्दों में कहता हूँ, हे नाथ आपकी जय हो। तो देखिए, कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, इस नए जिले को लेकर के जबरदस्त तरीके से वोट की खेती करने में जुट चुके हैं, लेकिन नए जिले को लेकर के नया इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से आएगा, इन सब चीजों को लेकर के भी जबरदस्त तरीके से सियासत हो रही है। और सियासत मुंबई में भी हो रही है, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार को लेकर। मुंबई में बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगने वाला है, लेकिन कांग्रेस को ये नागवार गुजर रहा है। भक्त वहां पर पहुंचने के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस क्या कुछ कह रही है इस कार्यक्रम को लेकर, वो आपको इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। 18 और 19 मार्च को बागेश्वर बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री का मुंबई में दर्शन कार्यक्रम है। मीरा रोड पर कार्यक्रम की तैयारियां पूरी की जा रही हैं। मैदान में 1.25 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो देख सकते हैं कि जो एक भव्य यहाँ पर मंच बनाया जाएगा है, स्टेज बनाया जाएगा जिस पर वो विराजमान होंगे। ये जो ग्राउंड है इसकी कैपेसिटी तकरीबन 1 लाख से 1.25 लाख की कैपेसिटी बताई जा गई है। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने कार्यक्रम रद्द करने के लिए सीएम शिंदे को पत्र लिखा है। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने भी बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम रद्द करने की मांग कर दी है। कमलनाथ जो है वो मध्य प्रदेश में जाकर के जहां पर उनके सामने नतमस्तक होते हैं, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र कांग्रेस के नाना पटोले को उनके आने से ऐतराज है। कांग्रेस असल में धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कंफ्यूज दिख रही है। हालांकि विवाद से अलग बाबा के भक्त उनके कार्यक्रम को लेकर बेहद उत्साहित हैं। हम इतने खुश हैं कि बागेश्वर धाम सरकार जी ने हमारे यहाँ आने की अनुमति दी, हमको ये प्रोग्राम करने की अनुमति दी, इसलिए सभी का उत्साह बहुत है और श्रद्धा भी उतनी ही है। बागेश्वर बाबा के समर्थन में वीएचपी ने कहा है कि संतों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, जो भी धर्म के खिलाफ जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा। दरअसल कांग्रेस कंफ्यूज है कि क्या करना चाहिए, महाराष्ट्र में उनका साथ दे दरबार के लिए लोगों को जुटाएं या फिर इसका विरोध करें, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस महाराष्ट्र में तो इस दरबार का विरोध कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में उनके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बाबा के दरबार में नाक रगड़ते हुए नजर आए, मत्था टेकते हुए नजर आए। देखिए इस रिपोर्ट को। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कांग्रेस पूरी तरह कंफ्यूज है। महाराष्ट्र कांग्रेस मुंबई में उनके कार्यक्रम का विरोध कर रही है, जबकि एमपी में कांग्रेस नेता कमलनाथ उनके चरणों पर नतमस्तक हैं। महाराज जी ने आशीर्वाद मुझे आवश्यक दिया और वो सबको आशीर्वाद देते हैं। चुनाव से पहले कमलनाथ बार बार बागेश्वर बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह पूछ रहे हैं कि बाबा बताएं कि उन्हें संविधान पर भरोसा है कि नहीं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जो बीजेपी विधायक और मंत्री उनके पास जाते हैं वो इस्तीफा दें, क्योंकि उन्होंने संविधान की शपथ ली है। भारतीय संविधान में हिंदू राष्ट्र का प्रावधान नहीं है, तो पहली बात तो बाबा जी बताएं कि उनको भारतीय संविधान में भरोसा है कि नहीं है। जो उनके पास कथा सुनने जाते हैं उनसे पूछना चाहिए कि आपको भारतीय संविधान में भरोसा है कि नहीं है। अगर भारतीय संविधान में भरोसा नहीं है तो फिर जितने भी भाजपा के मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। बागेश्वर बाबा को लेकर एमपी कांग्रेस में ही अलग अलग सुर हैं। सवाल ये है कि दिग्विजय सिंह कमलनाथ से क्या कहेंगे, जो बागेश्वर बाबा के दरबार में नतमस्तक हैं। तो देखिए, बागेश्वर बाबा को लेकर के सियासत काफी ज्यादा गर्म है। एक तरफ वो बार बार मांग कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि देश संविधान से चलेगा और संविधान में कहीं पर भी हिंदू राष्ट्र का जिक्र नहीं किया गया है। इधर खेल जगत में क्या कुछ हलचल है वो भी हम आपको दिखाएंगे, कैसे टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया पर जीत दर्ज की, इसके अलावा विराट कोहली ने कैसे नाटू नाटू सॉन्ग पर डांस किया, ये सब कुछ हमारे 2 मिनट के स्पोर्ट्स के सेगमेंट में।
भारत ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में 5 विकेट से हरा दिया और इस तरह टीम इंडिया को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 11 साल बाद वनडे में जीत मिली है। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी कंगारू टीम 36वें ओवर में 188 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में टीम इंडिया ने 40वें ओवर में 5 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। इस सीरीज का दूसरा वनडे कल वाइजैग में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के धुरंधर बल्लेबाज विराट कोहली उन खिलाड़ियों में मशहूर रहे हैं जो मैदान हो या बाहर अपनी मस्ती भरी अंदाज से नहीं चूकते हैं, फिर चाहे वो डांस करना ही क्यों न हो। मुंबई वनडे में जब ऑस्ट्रेलियाई टीम बल्लेबाजी कर रही थी तब भारतीय खिलाड़ी काफी राहत महसूस कर रहे थे क्योंकि समय समय पर उनको विकेट मिल रहे थे। इसी बीच विराट कोहली भी मस्ती के मूड में नजर आए और वो ऑस्कर विजेता गाने नाटू नाटू पर पांव थिरकाते नजर आए। टीम इंडिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह काउंटी चैंपियनशिप में खेलेंगे। वो जून और जुलाई में कैंट के लिए 5 मुकाबलों में खेलते हुए नजर आएंगे। सरे, वॉरविकशायर, नॉर्थम्पटनशायर, एसेक्स और नॉटिंघमशायर के खिलाफ खेलेंगे अर्शदीप। ये जानकारी केन टीम ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर दी है। तो वहीं अर्शदीप ने भी इंग्लैंड में रेड बॉल क्रिकेट खेलने की बात कही है। भारतीय T20 टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने WTC को लेकर बड़ा बयान दिया है। पांड्या ने साफ कर दिया है कि वो ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाले WTC का मैच नहीं खेलेंगे। उन्होंने कहा कि वो तब तक टेस्ट क्रिकेट में वापसी नहीं करेंगे जब तक कि वो उसके लिए ईमानदारी से मेहनत नहीं कर लेती। बता दें कि हार्दिक पांड्या ने आखिरी टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ साउथहैम्पटन में साल 2018 में खेला था। वर्ल्ड नंबर 16 त्रेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला की जोड़ी लगातार दूसरे साल ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप के महिला युगल के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। ये पहली भारतीय जोड़ी है जो लगातार दूसरे साल अंतिम चार में पहुंची है। महिला युगल क्वार्टर फाइनल में 20 साल की गायत्री और 19 साल की त्रेसा ने चीन की ली वेन मेई और लियो जुआन जुआन की जोड़ी को हराया। तो टीम इंडिया ने क्या जबरदस्त जीत दर्ज की है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और वहीं विराट कोहली नाटू नाटू सॉन्ग पे जबरदस्त तरीके से डांस मूव्स दिखाते हुए नजर आए। जी हाँ, लेकिन एक हैरान कर देने वाला वीडियो जो है वो बिलासपुर से वायरल हो रहा है जहाँ पर एक साइंस स्टूडेंट रील बनाना उसे भारी पड़ गया क्योंकि छत से गिरने से उसकी मौत हो गई है। पूरी खबर 1 मिनट के अंदर आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक छात्र को रील्स बनाना भारी पड़ गया, उसकी जान चली गई। वीडियो में दिख रहा ये छात्र साइंस कॉलेज में सेकेंड ईयर का पढ़ाई कर रहा था। वीडियो रील बनाने के चक्कर में ये अपने 4 दोस्तों के साथ छत पर बने छज्जे पर चला गया। इसी दौरान छज्जा टूट गया और ये वीडियो उसकी जिंदगी का आखिरी वीडियो बन गया। पुलिस के मुताबिक सभी दोस्त छत पर रील्स बनाने के लिए गए थे। साथियों ने छात्र आशुतोष को छज्जे पर ये कहते हुए खड़ा कर दिया कि तू हल्का है, छत नहीं टूटेगी। लेकिन छज्जा टूट गया और आशुतोष सीधे नीचे जा गिरा जिससे उसकी मौत हो गई। बिलासपुर के SP संतोष सिंह ने ट्विटर पर छात्र का आखिरी वीडियो पोस्ट किया है और रील्स के चक्कर में जान जोखिम में डालने वाले युवाओं को आगाह किया है। SP ने लिखा है कि हर समय सतर्कता जरूरी है, पुलिस घटना की जांच में जुटी है। तो देखिए, ये जो बिलासपुर से वीडियो सामने आया है वो बेहद हैरान कर देने वाला है, परिवार वालों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। ऐसे में आप लोगों को भी सबक लेना चाहिए, अगर इस तरीके की रील्स बनाते हैं तो अपनी जान को कम से कम रिस्क में मत डालें। और इसीलिए पुलिस ने खासतौर पर ये वीडियो ट्वीट किया है ताकि लोग इस बात को समझे। और इधर एक्शन गुजरात में भी हो रहा है। गुजरात के द्वारका में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन तेज है, जहां जितने भी अवैध निर्माण है उन्हें चिन्हित किया गया है और अब उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। देखिए रिपोर्ट में। गुजरात के बेट द्वारका में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण को सरकार ने ध्वस्त कर दिया। 100 से ज्यादा अवैध निर्माण वाली जगहों पर प्रशासन का बुलडोजर चला और देखते ही देखते आसपास का इलाका मलबे में तब्दील हो गया। प्रशासन के मुताबिक हर सिद्धि माता मंदिर के पास बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण किया गया था जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता था, लिहाजा प्रशासन को बुलडोजर की मदद से इलाके को खाली करवाना पड़ा। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। हर्षद गांव में हुई इस कार्रवाई में कुल 102 अवैध कब्जों को हटाया गया, जिसमें 65 रिहायशी, 33 कमर्शियल और 4 धार्मिक स्थल शामिल हैं। इस कार्रवाई में कुल 3,70,000 फीट जगह खाली करवाई गई है जिसकी कीमत 1,97,00,000 बताई जा रही है। इधर माफिया और अपराधियों के खिलाफ योगी बाबा का बुलडोजर
एक्शन लगातार जारी है। और आपको ये भी बता देते हैं कि हर राज्य में सरकारें अब इस बुलडोजर एक्शन को अपना रही है और बाकी राज्यों में भी यूपी के ही मॉडल की तर्ज पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुजरात के द्वारका में भी बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है, जहां पर 100 से ज्यादा अवैध ऐसे निर्माण है जहां पर बुलडोजर चला है। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी 24 मार्च को वाराणसी के दौरे पर आने वाले हैं। इस दौरे में पीएम अपने संसदीय क्षेत्र को 1650 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम 25 योजनाओं का शिलान्यास और 200 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। पीएम की यात्रा की तैयारियों और विकास योजनाओं की समीक्षा के लिए सीएम योगी वाराणसी में हैं। शुक्रवार को योगी काशी पहुंचे और विकास योजनाओं का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस लाइन में उन्होंने बच्चों को चॉकलेट बांटी। ये बच्चे उनसे मिलने के लिए यहां पहुंचे थे। इससे पहले सीएम योगी ने G20 डेलीगेट्स के साथ एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और विदेशी मेहमानों का स्वागत किया। देर रात तक सीएम ने शहर की तमाम विकास योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम योगी आज काशी में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अहम निर्देश देंगे। तो श्वेता, आगे हमें बहुत सारी खबरें बतानी है, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको ये दिखाएंगे कि बिहार में ओबैसी की पदयात्रा से पहले कैसे सियासी बवाल मचा हुआ है। बने रहे हमारे साथ। पावर्ड बाय MDH चंकी चाट मसाला, लाइफ में असली स्वाद जगाए MDH चंकी चाट मसाला। ज्यादा ही चुनाव को लेकर के एक्टिव नजर नहीं आ रहे और इसी को लेकर आज बिहार के किशनगंज के वो दौरे पर है जिसको लेकर के बिहार में सियासी पारा बहुत हाई नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट में पूरी खबर। ओवैसी के सीमांचल दौरे को लेकर बिहार में सियासी तापमान बढ़ गया है। असदुद्दीन ओवैसी आज किशनगंज लोकसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। इस दौरे को सीमांचल अधिकार यात्रा का नाम दिया गया है। असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, कोचाधामन और बायसी अमौर में अलग अलग जगहों पर कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने ओवैसी पर बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया है। हरिभूषण ठाकुर ने असदुद्दीन ओवैसी को जिन्ना का नया अवतार बता डाला। ओवैसी जिन्ना के नया वर्जन है, नया मॉडल, लेटेस्ट मॉडल जिसको कहते हैं वो है। और ये इनका एजेंडा है भारत को 2047 तक इस्लामीकरण करना। मिर्ची तो लग रही है महागठबंधन के लोगों को, क्योंकि उन्होंने जनता के लिए कुछ किया नहीं, केवल जनता को ठगा। जानकार बताते हैं कि ओवैसी की एंट्री से महागठबंधन बेचैन है, लेकिन महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि ओवैसी उनके लिए चुनौती नहीं। कोई लॉस नहीं होगा, इस बार 2024 में महागठबंधन सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी को जनता उखाड़। ओवैसी की पार्टी ने बिहार में 2020 विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बाद में उनकी पार्टी के 4 विधायक RJD में शामिल हो गए थे। पश्चिम बंगाल से सटे सीमांचल में 40-70% तक मुस्लिम आबादी है। पिछले लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को यहां 3 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। दरअसल बिहार के सीमांचल में ओवैसी की पार्टी AIMIM का बड़ा जनाधार है। विधानसभा चुनाव में भी इन इलाकों से उन्हें काफी समर्थन मिला था। उन्हें उम्मीद है इसीलिए कि लोकसभा चुनाव में भी जनता उनका समर्थन करेगी। और इसके अलावा और भी कई राजनीतिक खबरें हैं, वो आपको दिखाएंगे, लेकिन जल्दी से आप 2 मिनट में देख लीजिए टॉप ट्रेंडिंग वायरल वीडियोस। जयमाला सेरेमनी में दूल्हे की ऐसी फजीहत हुई कि देखकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। वीडियो को देखिए, दूल्हा दुल्हन स्टेज पर दिखाई दे रहे हैं। दूल्हा दुल्हन के गले में जयमाला डालता है, लेकिन दुल्हन जैसे ही उसे जयमाला पहनाती है उसकी पैंट खुल जाती है, जिसके बाद दुल्हन का भी रिएक्शन गजब का होता है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देख सकते हैं कि एक युवक गेट के पास खड़े होकर जूते का लेस बांध रहा होता है, तभी अचानक गेट खुलता है और गेट की टक्कर से युवक 3 फीट दूर सड़क पर जा गिरता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या है, पीछे से कार भी आ रही होती है, लेकिन गनीमत रही कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।
कुर्सी भी गजब की चीज है, जिसे मिल गई उसकी बल्ले बल्ले, जिसे ना मिली उसकी इंसल्ट। ये वीडियो देखिए, ये किसी रेस्टोरेंट का है। कुछ लोग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तभी एक शख्स प्लेट में खाना लेकर टेबल पर आता है और जैसे ही कुर्सी पर बैठने की कोशिश करता है, उससे पहले बगल वाला शख्स कुर्सी खींच कर बैठ जाता है और शख्स प्लेट पकड़े धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। कोल्ड ड्रिंक वाले गोलगप्पे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गोलगप्पा बेचने वाला थम्सअप की एक बोतल खोलता है और पूरी कोल्ड ड्रिंक एक बर्तन में उड़ेल देता है, फिर उसमें काला नमक, जीरा पाउडर, लाल मिर्च और शायद चाट मसाला डालकर मिलाता है, फिर गोलगप्पे की पूरी को इस पानी में डुबोकर सामने खड़ी महिला को परोस देता है और आंटी गोलगप्पे के स्वाद में एकदम खोसी जाती है। सोशल मीडिया पर ये लड़की का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जो बाइक पर गोलगप्पे का स्टॉल लगाकर पानी पूरी बेच रही है। उसने अपने स्टॉल का नाम रखा है बीटेक पानी पूरी वाली। मेरठ की रहने वाली तापसी उपाध्याय अपनी बुलेट पर सवार होकर एयर फ्राइड गोलगप्पे बेचती है। तापसी बीटेक की थर्ड ईयर की छात्रा है। तो देखिए, अब बात करते हैं दिल्ली की नई शराब नीति के घोटाले की। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम जो मनीष सिसोदिया हैं, उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और ये भी हो सकता है कि ईडी की टीम अब जो इस घोटाले के दूसरे आरोपी हैं, उनके आमने सामने बिठाकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ को आगे बढ़ाए। देखिए पूरा अपडेट इस मामले को लेकर इस रिपोर्ट में। शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को मनीष सिसोदिया की रिमांड 5 दिन और बढ़ा दी। अब सिसोदिया को 22 मार्च तक ईडी की कस्टडी में रहना होगा। हालांकि जांच एजेंसी ने कोर्ट से 7 दिन की कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी। ईडी ने कोर्ट में कहा कि मामले से जुड़े दो लोगों को 18 और 19 मार्च को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है। उन्होंने सिसोदिया के सामने बैठाकर ईमेल और मोबाइल से मिले डेटा के बारे में पूछताछ की जाएगी, यानी आज ईडी सिसोदिया से पूछताछ कर सकती है। शराब घोटाले में आज ईडी ने YSRCP सांसद मुगंता एस रेड्डी को समन भेजा है। मुगंता एस रेड्डी के बेटे को ईडी इस मामले में पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। बता दें कि ईडी ने सिसोदिया को 9 मार्च को दिल्ली शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। इसके बाद 10 मार्च को सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। इससे पहले 26 फरवरी को सीबीआई ने उन्हें दिल्ली शराब नीति केस में 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। तो ईडी और सीबीआई की जांच ने मनीष सिसोदिया की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। जहां एक तरफ पहले उनका मंत्री पद छिना, अब उनका बंगला भी छिन गया है और उनका जो बंगला है वो नई मंत्री आतिशी को अलॉट कर दिया गया है। और जब से ये बंगला जो है वो छीना गया है, उसको लेकर के बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। बीजेपी ये कह रही है कि ऐसा क्यों किया गया, जबकि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि ये पूरी की पूरी कानूनी प्रक्रिया है। आरोप प्रत्यारोप को लेकर के ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहली बार सीबीआई की रिमांड, दूसरी बार ईडी रिमांड और तीसरी बार सिसोदिया को एक बार फिर से ईडी की रिमांड में भेज दिया गया है। रिमांड बढ़ने से पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। मनीष सिसोदिया का बंगला दिल्ली सरकार की नई शिक्षा मंत्री आतिशी को अलॉट कर दिया गया। अब सिसोदिया को यह बंगला 21 मार्च तक खाली करना होगा। बीजेपी सीधे सीधे ये कह रही है कि केजरीवाल सिसोदिया से खेला कर रहे हैं। का मतलब पूरा हो जाए तो पिन छुड़वाते हैं और ये खाम खाम की बात कहते हैं कि मेरे मित्र हैं और ये सब बेकार की बातें हैं। हमें पता है कि उनकी पत्नी को तकलीफ है, वो एक लालाज बीमारी है। अच्छा होता कि थोड़े दिन उनको रहने देते। आम आदमी पार्टी सिसोदिया का बंगला लिए जाने को एक कानूनी प्रक्रिया बता रही है। तो देखिए, बीजेपी ये आरोप लगा रही है अरविंद केजरीवाल पर कि अरविंद केजरीवाल यही चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया यहां से चले जाएं, क्योंकि ये जो जांच की आज है वो सीएम ऑफिस तक ना पहुंचे और इसीलिए इस तरीके की कवायद यहां पर अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जबरदस्त तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी में इस वक्त चल रहा है और बहुत कुछ पश्चिम बंगाल में भी चल रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। वहां पर क्या उनका कार्यक्रम है और पहुंचने का मकसद क्या है, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। 18 और 19 मार्च यानी आज और कल कोलकाता में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता कोलकाता पहुंचे हैं। बंगाल के लोगों ने हमेशा संदेश दिया है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक हो रही है, 2024 में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो
उसके लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठ करके एक दूसरे को सुझाव देंगे, पार्टी किस रास्ते चले उस दिशा तय करेंगे। कोलकाता पहुंचते ही अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जिस पार्टी से डरती है उसके घर ईडी और सीबीआई भेज देती है। ये जो संस्थाएं हैं ये कोई पहली बार जांच नहीं कर रही हैं। पहले कांग्रेस इन संस्थाओं का इस्तेमाल करती थी क्योंकि वो दिल्ली में बैठते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली से इन संस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं। और याद रखना चाहिए जिस किसी ने भी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का ज्यादा इस्तेमाल किया उसका सफाया दिल्ली से हुआ है और ये अलग परंपरा जो बन रही है। अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी से भी मुलाकात की और 2024 को लेकर विपक्ष की रणनीति पर मंथन किया। इस दौरान शिवपाल यादव भी मौजूद रहे। तो सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल की सरकार हो, मतलब तृणमूल कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस से अलग थर्ड फ्रंट बनाने की सुगबुगाहट ये नजर आ रही है कि कांग्रेस से दोनों ही पार्टियों ने दूरी बना रखी है। और देखिए राजनीति की कुछ और खबरें भी आगे आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल दो मिनट में आप देखिए कि दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, कहां पर कुदरत ने कहर बरपाया है, कहां पर लोग बेघर हो गए, सिर्फ दो मिनट में। प्रदर्शन, पथराव और आगजनी की ये तस्वीरें सेनेगल की राजधानी डकर से सामने आई हैं, जहां एक नेता के समर्थकों ने उनकी कोर्ट में पेशी के दौरान जमकर बवाल काटा। प्रदर्शनकारी सड़कों पर टायर जलाते हुए नजर आए तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने पूरी पूरी गाड़ियों को ही फूंक दिया। उपद्रवियों का आरोप है कि उनके नेता को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है ताकि वो आने वाले चुनाव में लड़ न सके। फ्रांस में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने को लेकर हो रहा प्रदर्शन हर दिन हिंसक होता जा रहा है। कई शहरों में प्रदर्शनकारी हिंसा कर रहे हैं, सरकार के इस फैसले के खिलाफ हंगामा कर रहे हैं। जिस प्रस्ताव को लेकर विवाद हो रहा है उसे फ्रांस की संसद में अब तक पास नहीं किया गया है और लोग सरकार पर दबाव बनाकर इस प्रस्ताव को खारिज करवाना चाहते हैं। अमेरिका के एरिजोना में बाढ़ और बारिश ने तबाही मचाई है। एरिजोना के सीडोना की ये तस्वीरें देखिए, नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पानी का लेवल इतना बढ़ गया है कि ये अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुका है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, लोग जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से नदी के पास रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इसराइल की सड़कों पर संग्राम मचा है। राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल नेतन्याहू सरकार एक ऐसा कानून पास करने वाली है जो सांसदों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने का अधिकार देता है और अब राष्ट्रपति नेतन्याहू ने प्रदर्शनकारियों को साफ कर दिया है कि वो इस कानून के प्रस्ताव को वापस नहीं लेंगे। राष्ट्रपति के इस ऐलान के बाद इसराइल में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए हैं। रूस यूक्रेन पर लगातार हमलावर है। रूसी सैनिकों ने Su-35S एयरक्राफ्ट से युद्धाभ्यास किया। बता दें यूक्रेन के खिलाफ रूस इन्हीं एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहा है। रूस यूक्रेन के रिहायशी इलाकों और सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। बखमुट, डोनेट्स्क, कीव, खार्किव समेत कई इलाकों पर रूस चौतरफा हमला कर रहा है। पूरा यूक्रेन धमाकों से गूंज रहा है। तो दुनिया की तमाम बड़ी खबरें तो आपने देखी, लेकिन अब आपको दिखाते हैं देश की संसद में छिड़े संग्राम की, जहां पर बीजेपी राहुल गांधी के बयान को लेकर के लगातार बवाल कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है और जबरदस्त तरीके से हल्ला बोल संसद के अंदर भी और बाहर भी। दरअसल अडानी मुद्दे को लेकर के विपक्ष हमलावर है सरकार के ऊपर। जेपीसी की मांग की जा रही है और कल भी प्रदर्शन हुआ जिसमें तमाम विपक्षी दलों के जो नेता है वो शामिल हुए। पूरा अपडेट देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। संसद में अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग को लेकर तमाम विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े कांग्रेसी नेताओं के अलावा विपक्ष के कई नेता शामिल हुए। इस दौरान मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। एक ओर जहां बीजेपी संसद में राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान पर हमलावर है और लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से माफी की मांग कर रही है, तो वहीं विपक्ष अडानी मामले पर जेपीसी जांच की मांग पर अड़ा है। संसद का सत्र नहीं चल पाया और सोमवार तक संसद की कार्यवाही को स्थगित कर दी गई है। विपक्षी पार्टियों के प्रदर्शन हो रहे हैं और इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए खुद सोनिया गांधी यहां पहुंची है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं और तमाम नेता इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। सीधे तौर पर उनका कहना है कि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है
आरजी क्या ये जो चल रहा है उसको लेकर जेपीसी की जो मांग लगातार आप लोग कर रहे हैं इस पर क्या लगता है सरकार की तरफ से? आप चलते जाए राहुल गांधी सवालों के जवाब भी दे रहे हैं लेकिन सीधे तौर पर ये जो प्रदर्शन है ये अपने आप में ये बताता हुआ कि विपक्ष पार्टी जेपीसी की मांग को लेकर इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे और उनका जो एजेंडा है अडानी मामले को लेकर इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। विपक्ष के हंगामे के चलते 20 मार्च तक के लिए राज्यसभा और लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है। तो अडानी मामले पर जेपीसी की मांग और साथ ही राहुल गांधी के विदेश में दिए बयान को लेकर बीजेपी और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर हमलावर है। सबसे बड़ा सवाल है कि गतिरोध कब तक चलेगा। जी, और अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है उस खबर की, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य वो अयोध्या गए और राम मंदिर को लेकर के कितनी प्रगति हुई है, क्या प्रक्रिया आगे बढ़ी है, वो सबका जायजा उन्होंने लिया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को अयोध्या का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रामलला के दर्शन किए और आरती में शामिल हुए। केशव प्रसाद मौर्य ने मंदिर की साइट पर जाकर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा भी लिया। उन्होंने मंदिर निर्माण में इस्तेमाल होने वाली श्रीराम लिखी ईंट को सिर पर रखा और भावुक हो गए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राम भक्तों का सपना तेजी से साकार हो रहा है। इस दौरान ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने मंदिर निर्माण से जुड़े पहलुओं की जानकारी डिप्टी सीएम को दी। वहीं अयोध्या में रामलला की मूर्ति के निर्माण के लिए कर्नाटक के कारकला से भी एक विशाल शिला अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि पहुंच रही है। कर्नाटक के कारकला इलाके में तुंगभद्रा नदी के तट पर बनी एक छोटी पहाड़ी से इस शिला का चयन किया गया है। गांव के लोगों ने हिंदू संगठनों के साथ मिलकर हर्षोल्लास के साथ शिला की पूजा कर इसे अयोध्या के लिए रवाना किया। जानकारी के मुताबिक रामलला अगले साल यानी 2024 में मकर संक्रांति के दिन 15 जनवरी को मुख्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। इसके साथ ही यहां दर्शन पूजन शुरू हो जाएगा। इससे पहले मुख्य मंदिर का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। तो देश दुनिया राजनीतिक स्पोर्ट्स सारी खबरें हमने आपको दिखाई हैं। अब आपको दिखाते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में आखिर क्या चल रहा है, आगे कौन सी फिल्म रिलीज होने वाली है, साथ ही एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में और क्या कुछ अपडेट है सिर्फ 2 मिनट के एंटरटेनमेंट के सेगमेंट में। हवाएं चल रही है जिसकी वजह से तापमान में गिरावट आ गई है, तो अभी गर्मी का मौसम आने वाला है और उससे पहले ये मौसम वाकई दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए एक सुहानी सौगात है क्योंकि वीकेंड भी और साथ ही ऐसा मौसम लोगों को खुश कर रहा है। राजधानी दिल्ली का मौसम खुशनुमा बना हुआ है, भींगी भीगी सी धीरे धीरे बारिश जो है वो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है। पिछले कुछ दिनों से गर्मी का प्रकोप दिल्ली पे पड़ रहा था और आज इस बारिश ने उस गर्मी की कसर को खत्म कर दी है। आज सुबह से ही जो हवाएं हैं ठंडी वो चल रही हैं, धीरे धीरे से बारिश हो रही है और लोगों को काफी ज्यादा ये पूरा का पूरा मौसम जो है वो पसंद आ रहा है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो अभी दिल्ली का जो तापमान है वो आज 19 डिग्री रहने वाला है, वही अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक जाने की संभावना है और यही कारण है कि देखिए यहाँ पे गाड़ियां भी जो है, ये अक्षरधाम का इलाका है और गाड़ियां भी देखिए बड़े आराम से धीरे धीरे चल रही हैं, हेडलाइट चला के चल रही हैं ताकि जो बारिश के मौसम में जो गड्ढे होते हैं या जो समस्याएं होती हैं वो लोगों को सामने ना आए और आराम से वो अपने गंतव्य और घर तक पहुंच जाएं। आज शनिवार का दिन है और वीक ऑफ का दिन भी है, तो ऐसे में लोग इस पूरे दिन को एंजॉय कर रहे हैं। भीगी भीगी सी बारिश है, गर्मी से राहत है और ऐसे में लोग काफी ज्यादा इस पूरे मौसम को आज के पूरे दिन को एंजॉय करने वाले हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में मौसम ऐसा ही बना रहेगा और दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिलेगी। क्या जोश था है जरा सा दूर अब आस।